दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन के सफर पर लेकर जाएंगे और इसमें पाए जाने वाले जीव जंतु, पशु पंछी, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, हम और आप मिलकर वर्षावन का सफर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, वर्षावन में पेड़ों की टहनियां और पत्तियां इतने नजदीक हैं कि एक छतरी के रूप में काम करती है, जो पानी और प्रकाश को नीचे के पौधों और जानवरों तक पहुंचने से रोकता है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों वर्षावन अलग अलग परतों से बना है। इसमें कुल चार परतें हैं। पहला परत इमर्जेंट है, जिसमें बहुत कम संख्या के लंबे पेड़ शामिल है। चील, तितलियां, चमगादड़ और कुछ बंदर इस परत में रहते हैं। दूसरा परत केनोपी है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे पेड़ हैं। तीसरा परत अंडर स्टोरी है, जिसमें अनेक प्रकार के पंछी, सांप, छिपकलियां, इसके साथ साथ जैगुआर, बोआ और तेंदुआ शामिल है। और चौथा परत फॉरेस्ट फ्लोर है, जहां सूर्य का मात्र 2% प्रकाश ही पहुंच पाता है। इस परत में कई प्रकार के कवक पाए जाते हैं। वर्षावन के इन परतों में जो जानवर नीचे रहते हैं, वे ऊपर रहने वाले जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों वर्षावन के तल पर इतने ज्यादा घने पौधे हैं कि जमीन पर रहने वाले जानवरों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों प्यूर्टो रिको के वर्षावन में हर साल लगभग 200 इंच बारिश होती है और यह वर्षावन यूएस नेशनल फॉरेस्ट के अधीन संरक्षा प्रदान करती है। इस वर्षावन में पृथ्वी पर जितने भी पौधे और जानवर हैं, उसके आधे पौधे और जानवर यहाँ पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों आपने पिछले फैक्ट में जाना कि प्यूर्टो रिको के वर्षावनों में हर साल 200 इंच बारिश होती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना सारा पानी जाता कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि सिर्फ अमेज़न के वर्षावनों में ही 6437 किलोमीटर से अधिक की नदियाँ मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारा वर्षा का पानी इकट्ठा होता है और समुद्रों में मिल जाता है। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धरती पर कई ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो अपने बच्चों को कई दिनों और महीनों तक कहीं बंद करके या किसी चीज में छुपा कर रखते हैं। इनमें से एक वर्षावन में पाए जाने वाले पंछी नर गैंडा हॉर्नबिल है, जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनको खोखले पेड़ में सील कर देते हैं और एक छेद के माध्यम से उनको भोजन खिलाते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों पिराना मछली जो अमेज़न वर्षावन के नदियों में पाया जाता है, इनमें से कुछ मछलियां सर्वाहारी होते हैं। ये नदी में गिरे अखरोट को अपने दांतों से तोड़कर खाते हैं। इनके दांत बहुत मजबूत और नुकीले होते हैं। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों फिग यानी अंजीर एक वृक्ष का फल है, जो प्रजाति फिक्स और जाति कैरिका से बिलोंग करता है। अंजीर जब पककर गिर जाता है और गिरते समय यह फल किसी वृक्ष की टहनी पर अटक जाता है, तो ये वहीं धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक बहुत बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेता है, जिससे वह पेड़ सूख जाता है जिस पर यह कभी गिरकर अटक गया था। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों हम सभी ने जैसे इस वीडियो में जाना कि दुनिया की आधी जीव जंतु और पेड़ पौधे वर्षावनों में पाए जाते हैं। केवल जीव जंतु और पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि 30 मिलियन से अधिक कीड़े मकोड़े भी वर्षावनों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर टेन, दोस्तों रानी अलेक्जेंड्रा नामक तितली दुनिया की सबसे बड़ी तितली है, जिसमें मादा तितली की साइज 9 इंच से 11 इंच तक हो सकती है। यह तितली पूर्वी पापुआ और न्यू गिनी के वर्षावनों में पाया जाता है। पूरी दुनिया में कीड़ों की 3 प्रजातियां ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से खत्म होने वाली लिस्ट में शामिल है। उन तीनों प्रजातियों में से एक इस तितली का भी नाम शामिल है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि हम जो अपने रोजाना जीवन में रबर का उपयोग करते हैं, वह रबर के पौधे से बनाया जाता है और ये पौधा दुनिया के कई वर्षावनों में पाया जाता है और ये पेड़ चिपचिपा लेटेक्स छोड़ता है, जिससे रबर बनता है। अगर कोई जानवर इस लेटेक्स को खा लेता है तो उसका मुँह चिपक जाता है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों वर्षावन में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनमें से 80% जीव जंतु दिन के मुकाबले रात में अधिक सक्रिय होते हैं। ये जीव अगर कोई भी गतिविधियां करते हैं तो वह रात के अंधेरे में ही करते हैं, जिस करके वर्षावन रात में और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं।